और एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोगों ने ये पढ़ चुका पढ़ लिया है, एक तो पढ़ लिया है हाइपोथैलेमस, और एक हमने ग्लैंड पढ़ रखी है पिट्यूटरी। क्या हुआ शांत होकर के सुनोगे तो समझ में आएगा, बाकी नहीं सुनोगे तो तुम्हारी मर्जी। तो हम लोगों ने ब्रेन का एक पार्ट पढ़ा हुआ है हाइपोथैलेमस, आवाज आ रही है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से या तो आरएच निकल रहा है या तो आईएच। व्हाट इज आरएच, व्हाट इज आईएच? या तो इनविट्री हार्मोन आ रहे हैं और या क्या आ रहे हैं, और ये हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी निकल के कहां जा रहे हैं, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी कितने प्रकार की, एक पक्का, बीच में मिडिल भी है, तो मिडिल वाला भी है और एंटीरियर पोस्टीरियर भी। एंटीरियर पिट्यूटरी से पांच हार्मोन, कितने हार्मोन याद है, पढ़ चुके हैं, एक ऑन ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन याद है, प्रोलैक्टिन के अलावा ACTH है। एकदम शांत रहो, एक है TSH, व्हाट इज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग, व्हाट इज ACTH, व्हाट इज PRL, एक और बच्चा बोलो, अच्छा दो बच्चे राधा और दोनों को मिलाकर गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन एक की दो, एक कौन FSH, यहाँ पर एक हार्मोन था हम बताओ MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटर, यहाँ से दो हार्मोन थे, एक का नाम था ADH, व्हाट इज ADH, और एक अच्छा बहुत चिल्ला लिया, आप ध्यान से सुनो। तो हमने इतने सारे हार्मोन पढ़ लिए, हमने कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड, कैसी ग्लैंड है, एकदम शांत रहिए और सुनिए, पिट्यूटरी ग्लैंड कैसी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, इसलिए हमने इसका नाम क्या, मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इज नोन एज हाइपोथैलेमस, और पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड। अब इस मास्टर ग्लैंड ने बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल में कर रखा है, यानी मास्टर ग्लैंड के सिक्रीशन बाकी ग्लैंड पर काम कर रहे हैं। तो हमने ये दोनों पढ़ रखे, एक कौन हाइपोथैलेमस और एक कौन पिट्यूटरी। आज हमारे ग्रुप में बेटा एक हार्मोन, एक ग्लैंड का नाम है थायरॉइड, फिर से बोलो, दूसरा नाम है पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड, वेरी गुड पैराथायरॉइड, इसके अलावा थाइमस, थाइमस, और एक और एड्रिनल, एड्रिनल। आज हमारी रडार में चार ग्लैंड है, अगर हम आज चार पढ़ डालते हैं तो बहुत बड़ा काम कर लेते हैं, कितनी ग्लैंड है, चार। तो इन ग्लैंड को सिक्रीशन को कौन कर कंट्रोल कर रहा, पिट्यूटरी, तो बताओ इन ग्लैंड के नाम कौन कौन से, थायरॉइड, पक्का। अब हम लोग ग्लैंड को पढ़ने के तरीकों को थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भाई नया बच्चा आया, इसको कुछ तो नया मिलना चाहिए। तो मॉडिफाई करते वक्त हम लोग किसी भी ग्लैंड को तीन या चार पॉइंट में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट ये होगा कि हम ग्लैंड की लोकेशन पढ़ेंगे, ग्लैंड की क्या पढ़ेंगे, लोकेशन। द फर्स्ट पॉइंट इज लोकेशन, क्यों कहां पर प्रेजेंट है, एकदम इधर ध्यान से, पहले हम ग्लैंड की लोकेशन पढ़ेंगे, फिर ग्लैंड के सिक्रीशन पढ़ेंगे। इन हेडिंग को ध्यान में रखेंगे तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, पहला कौन सा, लोकेशन, फिर सिक्रीशन, और सिक्रीशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन, फिर से बोलो, यानी ग्लैंड का पढ़ेंगे हम लोग फंक्शन, और हो सका तो उसका हाइपो और हाइपर सिक्रीशन की बीमारी, कौन कौन सा, हाइपो सिक्रीशन मतलब कम सिक्रीशन, और हाइपर मतलब,
बताओ हमारे पास हाइपोथैलेमस था। हाइपोथैलेमस से कितने प्रकार के हार्मोन? दो, या तो आरएच, या तो व्हाट इज आरएच? पक्का? अच्छा, ये जो हार्मोन है किस पे एक्ट करेंगे? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी कितने प्रकार की? तीन। दो, एक एंटीरियर पोस्टीरियर, एक इंटरमीडिएट है। एंटीरियर पिट्यूटरी से कितने? पांच। मिडिल से एक, पोस्टीरियर से दो। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन बाकी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहे हैं। इन ग्लैंड के नाम क्या हो सकते हैं? थायराइड, पैराथायराइड। पक्का? अब आज हम लोग इन ग्लैंड के पांच पॉइंट पढ़ेंगे हर ग्लैंड में। पहला पॉइंट लोकेशन, दूसरा चलिए हमारे पास पहली ग्लैंड है थायराइड। पहले थायराइड का पता लेते हैं कि थायराइड का नाम क्यों थायराइड है। क्या देखना है? इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड और द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। स्मॉलेस्ट के लार्जेस्ट, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। किसी को याद है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन थी? लार्जेस्ट ग्लैंड वाज लीवर, बट द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज थायमस। पक्का? नाउ द लोकेशन ऑफ थायमस, इट इज प्रेजेंट इन नेक रीजन। लोकेशन मैंने पूछा कहां पर पहुंचा? नेक रीजन। थायराइड ग्लैंड कहां पड़ा? नेक रीजन। एंड नेक रीजन में जहां पर प्रेजेंट है वो जगह का नाम है एडम्स एप्पल। बोलो क्या नाम है? एडम्स, नियर द एडम्स एप्पल, अराउंड ट्रैकिया। देखो ये तो हो गया लिखने के लिए। समझने के लिए आपको अपनी ट्रैकिया में हाथ लगाना पड़ेगा। जिस पॉइंट पर मैक्सिमम उभार मिले ये है एडम्स एप्पल। गर्ल्स में नहीं दिखता, बॉयज में ज्यादा दिखता है। इसी के लिए एडम, एडम और ईव, पहला पुरुष और पहली स्त्री। पहला पुरुष एडम, पहली स्त्री ईव। भगवान ने भेजा और बोला कि जाओ धरती पे जाकर के आराम से जीवन गुजारो। पर एक बात याद रखना, मैंने वहां पर एक सेब का प्लांट लगाया है, एप्पल निकलते हैं, वो मत खाना। उसको खाते ही तुम्हारी बुद्धि आ जाएगी और तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। एडम और ईव की कहानी है। तो एडम और ईव केवल पहला स्त्री और पहला पुरुष इस दुनिया में आए, अच्छे से जिंदगी गुजार रहे थे। सुन लो बेटा, शान काम आएगा इस कहानी के पीछे का सार। अब आप पहुंचे तो एडम और ईव आराम से जिंदगी गुजार रहे थे, कोई ज्यादा चालाकी और ज्ञान नहीं था, आराम से जिंदगी चल रही थी। अब ईव तो ईव, गर्ल्स तो गर्ल्स। एक दिन उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर आप मुझे प्यार करते हो तो मुझे वही सेब ला के दो जो भगवान ने मना किया। एडम ने कहा, अरे नहीं, वो नहीं खाना। बोले नहीं, हमको चाहिए वही। तो एडम ने क्या किया, वो फल तोड़ा। ऐसे मजाक की कहानी है बना रहे। तो उसने कहा कि इसको खाने से कुछ नुकसान ना हो जाए तो पहले मैं खा के देखता। तो जब ने वो सेब खाया तो भगवान के श्राप की वजह से सेब यहाँ फंस गया। एंड दैट इज नोन एज एडम। ये सब बकवास, झूठी कहानी है, सब झूठी कहानी है। ऐसे मेरा मजाक कर मन कर रहा था, मैंने बताया। तो बताओ सबसे उभार वाला पोर्शन का नाम क्या? एडम एप्पल है। इस एडम्स एप्पल के पास, ट्रेकिया के पास, आपके पास थायराइड कार्टिलेज होते हैं। कौन से कार्टिलेज? और वहीं पर ग्लैंड होती है थायराइड। तो बताओ ट्रेकिया का सबसे ऊपरी हिस्सा, इट इज लैरिंक्स। फिर से बोलो, बताओ इसकी ओपनिंग याद है? गलेट की ग्लॉटिस, ग्लॉटिस थी। लैरिंक्स के बाद आपके सामने ट्रेकिया आई, यस और नो? तो ये रही ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर कौन पोर्शन था? लैरिंग्स। तो लैरिंग्स के नीचे और इनिशियल ट्रैकिया के चारों तरफ, ट्रैकिया के चारों तरफ आपके पास एक ग्लैंड है। दिस ग्लैंड हैव टू लोब्स। कितने लोब्स हैं? दो।
एक राइट और एक लेफ्ट, और इन दोनों लोब को कनेक्ट किया गया है बाय कनेक्टिव, किसके द्वारा? कनेक्टिव। तो ये वाला जो पोर्शन है ये लोब है कि कनेक्टिव? कनेक्टिव। तो ट्रैकिया के दोनों तरफ एंटीरियर पोजीशन, पोस्टीरियर की एंटीरियर, एंटीरियर एक लोब की दो लोब, दो लोब, टू लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के दो लोब पड़े हुए और इन दोनों लोब्स को कनेक्ट किया गया है बाय इट इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू, एंड दिस कनेक्टिव टिश्यू इज नोन एज इस्थमस। तो लोकेशन क्या है? नेक रीजन। बोलो कहाँ है? नेक रीजन लिखा तो है। अराउंड अराउंड ट्रेकिया है, ट्रेकिया के पास कितने लोब? दोनों लोब आपस में जुड़े हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, दोनों लोब आपस में जुड़े हैं भाई, कनेक्टिव टिश्यू नोन एज इस्थमस। जब आप इन दोनों के दोनों लोब्स के अंदर घुसेंगे तो इन लोब के अंदर आपको छोटी छोटी गांठें दिखाई पड़ेंगी। ये जो गांठें हैं इनका नाम है फॉलिकल्स। बोलो क्या नाम है? फॉलिकल्स, या फिर इन्हीं का नाम है थायराइड फॉलिकल्स। और इन थायराइड फॉलिकल के अंदर देयर आर सम सेल्स एंड दीज सेल्स आर नोन एज फॉलिकुलर सेल्स। फिर से बोलो, जवाब नहीं आएगा इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। कौन सी सेल्स? फॉलिकुलर। चलो चाहिए कौन सी ग्लैंड? स्मॉलेस्ट की लार्जेस्ट, लार्जेस्ट ग्लैंड की लार्जेस्ट एंडोक्राइन कहां पर पाई जाएगी? नियर एडम सेल। अराउंड ट्रैकिया। हाउ मेनी लोब? टू लोब, एक राइट और एक लेफ्ट, दोनों को कनेक्ट किया भाई इस्थमस। फिर से बोलो, इस्थमस। हर लोब के अंदर घुसे तो आपको गांठें मिलेंगी, उन गांठों का नाम थायराइड फॉलिकल। फिर से बोलो, और इन थायराइड फॉलिकल के अंदर फॉलिकुलर सेल। फिर से बोलो, और आप इस फॉलिकुलर सेल के अंदर घुसे तो बताओ ये फॉलिकल है कि फॉलिकुलर सेल? इन फॉलिकुलर सेल्स के अंदर घुसे तो आपको मिलेगा एक पिगमेंट, एंड दिस पिगमेंट इज नोन एज, सॉरी, एक अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का नाम है टायरोसिन। फिर से बोलो, नाम सुना है कभी? टायरोसिन एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है, और इसी टायरोसिन से डिराइव किया हुआ केमिकल नाम है थायरोनिन। फिर से बोलो, थायरोनिन। अब बताओ, मुझे नहीं समझ में आया मैंने क्या पढ़ाया, बताओ। लोब के अंदर घुसे तो फॉलिकल के अंदर, तो फॉलिकुलर सेल के अंदर है कैविटी। क्या बेटा? और उस फॉलिकुलर सेल के अंदर जो कैविटी है, उस कैविटी के अंदर कौन सा अमीनो एसिड? टायरोसिन। टायरोसिन के फॉर्म में कि मॉडिफाइड, और उसका नाम थायरोनिन। फिर से बोलो, और ये थायरोनिन अगर आ जाए तीन आयोडीन, कितने आयोडीन? तीन। सो जाओ इससे अच्छा, आए हो तो पढ़ के जाओ। बोलो कौन है, कितने आयोडीन? तीन है। तो तीन आयोडीन और थायरोनिन मिलकर बनाएंगे ट्राई। ट्राई मतलब तीन। ट्राई मतलब तीन। आयोडो मतलब आयोडीन। ट्राई आयोडो थायरोनिन। फिर से बोलो, इस हार्मोन का नाम है T3 हार्मोन। फिर से बोलो, T3। और अगर कहीं इस थायरोनिन में चार आयोडीन जुड़ जाए, कितनी? एकदम एक। बोलो कौन? चार। तो इसका नाम है टेट्रा। टेट्रा मतलब आयोडो मतलब आयोड, थायरोनिन मतलब टेट्रा आयोडो थायरोनिन। जो इसमें टेट्रा आयोडो थायरोनिन है, इस हार्मोन को हमने नाम दिया T4। व्हाई इट इज नोन एज T4? चार आयोडीन, इसी का नाम है थायरोक्सिन। फिर से बोलो, थायरोक्सिन। हमें तो लग रहा कुछ आ ही नहीं रहा था, आ रहा है? चलो बताओ, दिख नहीं ना? फिर से नीचे वाला दिख नहीं रहा? कैमरा आ गया बीच में, अच्छा समझ में आया। अच्छा इसको इतना निपटाओ, फिर इसके आगे बढ़ते हैं, कैमरा को हटाते हैं। पता, थायराइड ग्लैंड है स्मॉलेस्ट की लार्जेस्ट, बस मुझे वहां तक पहुंचा दो, काम बन जाए। स्मॉलेस्ट की लार्जेस्ट, क्या ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है? नेक रीजन में है, एडम्स एप्पल में है,
एडम्स एप्पल में जब आप पहुंचेंगे तो आपको एडम्स एप्पल के चारों तरफ थायराइड कार्टिलेज मिलेगा। उसी थायराइड क्लास में कार्टिलेज में नेक के चारों तरफ दो लोब हैं, एक कौन सा राइट और एक लेफ्ट। राइट और लेफ्ट लेब को आपस में जोड़ा गया है किसके द्वारा? स्टमक। बातें मत करो, अब पढ़ा रहा हूं इधर, कहां पर? स्टमक। अब लिखा रहा हूं यहां, काय मरे जा। अभी थोड़ी देर बाद यहां कुछ नहीं लिखा, मिटा दिया बाबू, और जो यहां लिखा था दोबारा लिखाने जा रहा हूं। अभी यहां ध्यान देना, इस बताओ दो फोर लोब हो गए, एक लेफ्ट और एक आपस में जुड़े हैं, बोलो कौन? स्टमक। लोब के अंदर घुसे तो थायराइड फॉलिकल, ये नीले वाले फॉलिकल, इनके अंदर फॉलिकुलर सेल, बोल सो इसमें कैविटी है। इस कैविटी में अमीनो एसिड कौन है? टायरोसिन मॉडिफाई हुआ है। टायरोसिन मॉडिफाई करके क्या बनाया? थायरोनिन। थायरोनिन, अब यहां तक समझ में आया? अगर थायरोनिन को मिल जाए तीन आयोडीन, फिर से बोलो, तो क्या तीन आयोडीन थायरोनिन में जुड़ जाएंगी, हार्मोन बनाएंगी? नाम बताओ, ट्राई आयोडो थायरोनिन, ट्राई आयोडो T3 की T4, व्हाट इज T3? थ्री ट्राई आयोडो थायरोनिन। अच्छा बताओ, अगर मैं थायरोनिन में क्या जोड़ दूं, चार आयोडीन जोड़ दूं, क्या बनेगा? टेट्रा आयोडो थायरोनिन, फिर से बोलो, क्या ये टेट्रा आयोडो थायरोनिन है? इसे क्या बोलेंगे? T4, बोलो क्या? T4, और T4 को ही हम बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन। तो थायराइड दो हार्मोन, एक कौन? T3 और एक T4, और कौन सी सेल से? फॉलिकुलर सेल। यही बहुत याद रखने की बात है, अगर तुम ये याद रख ले रहे हो तो मेरा काम बन जाए। कौन सी सेल? और किस अमीनो एसिड का डेरिवेटिव? टायरोसिन। कौन सा डेरिवेटिव? थायरोनिन। पक्का? बोलते हैं कि ये थायराइड काम करेगी और T3 T4 बनाएगी, इसका ख्याल रखती है हमारी पिट्यूटरी। कौन सी? और पिट्यूटरी यहां से एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम है TSH। पिट्यूटरी हार्मोन याद आएगा? पिट्यूटरी एक हार्मोन निकालेगी, बोलो कौन? TSH, फुल फॉर्म थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यही हार्मोन है जो जाकर स्टिमुलेट करेगा फॉलिकल को। किसको? और फॉलिकल को कहेगा कि तुम थायरोनिन बनाओ। क्या बनाओ? थायरोनिन। और थायरोनिन में क्या जोड़ेगा? आयोडीन। और हार्मोन बनाएगा T3 इज ट्राई आयोडो थायरोनिन। बहुत ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, तीन आयोडीन थायरोनिन के साथ। नाम बताओ, ट्राई आयोडो थायरोनिन। और बेटा थायरोनिन में चार आयोडीन, टेट्रा आयोडो थायरोनिन। हर चीज प्रत्येक वीडियो बनाने से नहीं होती, कभी नहीं होती, फोटो भी खींचने से कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर बुक अगर आपका कोई भी ले गया होगा, आप यहाँ पर नोटबुक से लिखिए, ये तरीके एकदम गलत है और मैं तो अलाउ करता ही नहीं। पता नहीं रेडीमेड स्टडीज होने लगी आजकल, कुछ बच्चे करना ही नहीं चाहते। दिमाग यूज करो, कल कोई आ जाएगा पूछा जाएगा कि कैसे बनता है तो बताना पड़ेगा, फोटो खींचने से कुछ नहीं होगा। तीन आयोडीन तो चार तो अब सुनो, टायरोसिन इज द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। बोलो कैसा? तो ये तो हमारी बॉडी में ही बनता रहता है। कहां से? बॉडी में बनता रहता है। यस सर, भूल गए होगे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। तो टायरोसिन इज एसेंशियल की नॉन एसेंशियल? नॉन एसेंशियल। क्या ये अपने आप बनता रहता है? नो सर। तो बताओ थायरोनिन भी अपने आप बनता रहेगा? तो लोगों को लगता है T3 और T4 भी अपने आप बनते रहोगे ना, T3 और T4 बनाने के लिए क्या चाहिए? आयोडीन। और आयोडीन पर आप किस पे डिपेंड रहोगे? फूड। तो अगर फूड में आयोडीन है, फूड में आयोडीन है, तो बताओ ये हार्मोन आराम से बनेंगे, और अगर आयोडीन नहीं है तो आराम से नहीं बने। मैंने पांच बातें पढ़ाई थी,
पहला लोकेशन, दूसरा सिक्रीशन। बस हो गया ये सिक्रीशन, लोकेशन और सिक्रीशन हो चुका है। अभी क्या पढ़ना है? फंक्शन। अगर पढ़ना चाहते हो तो इतना दिमाग हमको चाहिए। आप शाम तक आते हो, सुबह तक तुम्हें ट्रेन किया जाता है, शाम तक आप पूरे बर्बाद बन के आते हो। आपको समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है। और ऐसे भी कोई जल्दबाजी से कोर्स खत्म करना होता है तो फिर गड़बड़ कर चुके होते हम लोग। जब तक समझ में ना आए, ना बोलना है, हाँ नहीं बोलना, हटा दें से। अब अगर आपने बताया तो समझ में आया। कहाँ गया वो, लिख लिया उसने? बताओ, ग्लैंड दिखाई पड़ रही है? नाम है थायराइड। नाक में है? यही बड़ा बात है कि बहुत बार बता दिया। कहाँ है? ट्रैक है। पोस्टीरियर के एंटीरियर? एडम से एप्पल। कितने लोग? एक राय, एक बीच में स्थमस। अच्छा, लोब के अंदर घुसे तो फॉलिकल, फॉलिकल के अंदर घुसे फॉलिकल सेल, सेल के अंदर घुसे तो टायरोसिन का मॉडिफिकेशन, थायरोनिन। थायरोनिन में क्या हुआ? आयोडीन। आयोडीन आया? कितने आयोडीन? तीन। नाम बताओ। ट्राई आयोडीन थायरोनिन। कितने आयोडीन? चार। टेट्रा आयोडो थायरोनिन। कौन सा थायरोक्सिन है? TO। पक्का? अब इनके कुछ काम है, यहाँ पर मैं काम लिख रहा हूँ और इनको इसी तरीके से याद रखेंगे जिंदगी भर। पहला काम है कि बेटा ये हार्मोन BMR को मेंटेन करता है। BMR मेंटेनेंस। पहला ही पॉइंट बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर आप क्या कहते हो, व्हाट इज BMR? फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट। किसी को मैंने पढ़ाया है और सबको पढ़ाया ऑलमोस्ट कि अगर इस दुनिया में जिंदा रहना है तो एक काम करना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म। तो जब तक आप जिंदा हैं क्या कर रहे हैं? मेटाबॉलिज्म। और उन मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी। तो वो एनर्जी आपको कहीं ना कहीं से लानी पड़ेगी। वो एनर्जी लानी पड़ेगी फूड से। कहां से? और फूड को तोड़ करके वो एनर्जी लाने वाला हार्मोन कौन है? थायरोक्सिन। फिर से बोलो। सर अभी भी नहीं समझ में आया, कुछ और डिटेल बताओ। सुनो, आप सो रहे हैं, काम नहीं कर रहे, इसके बावजूद भी आपकी बॉडी काम कर रही है। सुन लो, आप सो रहे हैं, लेटे हैं, दुनिया में सबसे आराम वाली जगह पे लेटे, रिलैक्स हैं, योगा कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स हैं, फिर भी आप काम कर रहे हैं। आप काम कैसे कर रहे हैं? आपका हार्ट काम कर रहा है, कर रहा है। आपकी किडनी काम कर रही है, आपका लिवर काम कर रहा है। आप कुछ भी ना कर रहे हो फिर भी आपकी बॉडी काम कर रही है। और उस काम करने के लिए बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी। एंड दैट एनर्जी इज नोन एज बेसिक एनर्जी। बोलो, उतनी एनर्जी को मेंटेन करके देने वाला हार्मोन कौन है? थायरोक्सिन। एंड दैट एनर्जी इज नोन एज बेसल मेटाबॉलिक रेट। आप जब सो रहे होगे तब भी आपको एनर्जी चाहिए, तब भी आपको मिनिमम एनर्जी चाहिए। उस मिनिमम एनर्जी के लिए, उस बेसल मेटाबॉलिज्म के लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो कौन ला के देगा? थायरॉक्सिन। तो बताओ थायरॉक्सिन क्या मेंटेन करेगा? व्हाट इज BMR? बेसल मेटाबॉलिक रेट। फिर से बोलो, बेसल मेटाबॉलिक रेट याद रहेगा। और याद रखना, बेसल मेटाबॉलिक रेट मेंटेन करते वक्त इट विल हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ, दूसरा पॉइंट है, this hormone help in the metabolism of carbohydrate, metabolism of protein and metabolism of fat. तो ये हार्मोन वो हार्मोन है जो आपका BMR मेंटेन करेगा। यही वो हार्मोन है जो आपकी मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट को मेंटेन करेगा। इट इज द सेम हार्मोन which maintain the balance in water and electrolyte. Water and electrolyte. ये आपकी बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को भी मेंटेन करेगा। जो लोग भूलेंगे उनको याद कराने के लिए छोटा सा निमोनिक्स बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। आपके खाने में क्या क्या होता है सोचो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल, रफेज, याद है? उनमें से पांच चीजों को तो यही मेंटेन कर रहा। बोलो कौन? कार्बोहाइड्रेट।
प्रोटीन फैट वाटर मिनरल, मिनरल की जगह मैंने क्या लिखा इलेक्ट्रोलाइट। तो आपकी बॉडी में सोडियम पोटेशियम क्लोराइड इन सारे आयन को शुरुआत में मेंटेन कौन करेगा? थायरॉक्सिन। फिर से बोलो। चौथा पॉइंट, इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ बॉडी। ग्रोथ ऑफ बॉडी मोस्ट ऑफ द टाइम बोन ग्रोथ एंड मसल ग्रोथ। आपको याद होगा एक और हार्मोन ऐसा ही करता था, याद है? बोलो कौन? ग्रोथ हार्मोन, याद है? Also, it help in the mental growth or the brain growth. आपकी brain growth को भी maintain करेगा यही hormone. चार काम बोलो। पहला बोलो, basal metabolic rate को maintain करेगा। हमें तो लग रहा है कि तुम लोगों ने NCERT इसके पहले कभी पढ़ी नहीं, क्योंकि ये सब NCERT के point है। पहला बोलो, बेसल मेटाबॉलिक रेट। आप सो रहे हो फिर भी बॉडी को एनर्जी चाहिए। yes, कौन हार्मोन लाके देगा? थायरॉक्सिन देगा। बताइए आपकी बॉडी में किसको मेंटेन करेगा? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट की मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करेगा। इसके अलावा क्या मेंटेन करेगा? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट। इसके अलावा बोन ग्रोथ को मेंटेन करेगा, बॉडी ग्रोथ को मेंटेन करेगा। इसके अलावा मेंटल ग्रोथ और ब्रेन ग्रोथ। पांचवा काम भी आप याद रख लेंगे, एक्सट्रीम केसेस में दिस हार्मोन हेल्प इन एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसी, पोएसिस का मतलब फॉर्मेशन। दिस इज द सेम हार्मोन हेल्प इन आरबीसी फॉर्मेशन। एंड एवरी पॉइंट इन दिस फाइव पॉइंट हैव बीन रिटन इन योर बुक। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सुनील सर ने लिखा है अलग से तो बेवकूफी है आपकी। हर एक पॉइंट आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एवरी पॉइंट। लास्ट पैराग्राफ देखो, जो लोग देखने लगे वो लास्ट पैराग्राफ देखेंगे थायराइड का तो देखते हैं, तो उसमें पांचों काम लिखे होंगे। अब मुझे चिल्ला करके बताओगे कि आराम से बताओगे चिल्ला के? बताओ पहला, क्या ये हार्मोन आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट मेंटेन करेगा? नो सर, मेंटेन करेगा। दूसरा, किसकी मेटाबॉलिज्म? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। और क्या मेंटेन करें? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट। नहीं लिख पाए तुम सौरभ? इसको आखिरी पैराग्राफ थायराइड ग्लैंड का सीध दिखाओ, बुक लाओ इसकी। बुक नहीं निकाले हो तुम? आखिरी पैराग्राफ हाँ पढ़ो उसको दिखाओ। हाँ तो बोल दो उसको, कौन कौन सी लाइन है वो लिखनी है। हाँ मैंने जल्दबाजी में मिटा दिया, बिना देखे गुस्सा आ जाएगा वो। पहला काम बेसल मेटाबॉलिक रेट। दूसरा काम इलेक्ट्रोलाइट। कार्बोहाइड्रेट मेंटेन करेगा, प्रोटीन फैट पक्का, बॉडी ग्रोथ करेगा, मेंटल ग्रोथ करेगा और एरिथ्रोपोएसिस। क्या मेरे बच्चे ये पांच काम बता पाओगे? ये काम कौन करेगा? थायरॉक्सिन। फिर से बोलो, थायरॉक्सिन। नाउ द हाइपोसिक्रीशन, मैंने बोला था लोकेशन सिक्रीशन फंक्शन, इसके बाद क्या है? हाइपोसिक्रीशन। सौरभ अब अपनी जगह बैठो, वो समझ गया होगा, अब लिख लेना बेटा। हाइपोसिक्रीशन के दौरान ग्लैंड एक अजीब कसमकस से गुजरती है, ये रही वो ग्लैंड, और इस ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड, नेक रीजन में है। कहां पर है? नेक रीजन। भाई मेरे बच्चे, अगर आपने गड़बड़ किया तो मुश्किल में तुम आओगे ही आओगे। बताओ यहां कौन से सेल हैं? फॉलिकुलर सेल, जिनके पास क्या कम नहीं है? थायरोनी। अरे तुम बेवकूफ हो लो, क्या कम नहीं है? क्योंकि ये घर का प्रोडक्ट है। पर इसको क्या चाहिए? आयोडीन। फिर से बोलो, आयोडीन। और आयोडीन है फूड से। कहां से आया? फूड से। फूड से कैसे आया? तुमने अपनी थायराइड ग्लैंड को आयोडीन खिलाया। पहला इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। तो आपने आयोडीन खाई थी, डाइजेस्ट किया था, एब्जॉर्ब किया था, तो ब्लड के द्वारा आयोडीन आया।
तो मान लो अगर खाने में आयोडीन कम है, खाने में तो बताओ एब्जॉर्ब, ब्लड में कम आएगा, और ब्लड में कम आएगा तो थायरोनिन के साथ आयोडीन ज्यादा जुड़ेगा कि कम, और कम जुड़ा था T3 T4 दोनों हार्मोन ज्यादा कि कम, कम बनेंगे। और ऊपर से TSH रुक नहीं रहा, TSH कह रहा कि कैसे कम बनेगा, हम तुमको बोल रहे बनाओ, कौन बोल रहा, कहां का हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी, फिर से बोलो, मेरे शब्दों को माफ करिएगा, मैं बोल रहा हूं ऐसे, एंटीरियर पिट्यूटरी परेशान है कि तुम यार काम नहीं कर रहे, और फॉलिकल कह रही भैया हम काम कर रहे हैं, क्या बना रहे, थायरोनिन की कमी, लेकिन खाने से क्या नहीं आ रहा, आयोडीन, तो ये वो मालिक है जो कह रहा बहाने मत मारो, कौन मालिक है, TSH, तो TSH पिला पड़ा हुआ, अरे भैया तुम काम करो, और काम करो मुझे T3 T4 तो, क्योंकि ब्लड में T3 T4 कम हो रहा है कि ज्यादा, कम, और मुझे T3 T4 कम, मुझे ज्यादा चाहिए, इक्वल अमाउंट में चाहिए, तो बेटा थायराइड ग्लैंड एक्सेसिव वर्क करने लगती, क्या एक्सेसिव, काम कम करने की ज्यादा, और ज्यादा काम करने के चक्कर में ये अपने फॉलिकल का साइज बढ़ाने लगती, फॉलिकल का साइज, और फॉलिकल का साइज बढ़ाने लगती है तो ये थायराइड ग्लैंड छोटी होने लगती कि बड़ी, और बड़ी होकर गर्दन में एक गांठ के रूप में दिखाई पड़ने लगती है, और इस बीमारी का नाम है ग्वाइटर, फिर से बोलो, हिंदी में बोलते हैं घेंघा, घोंघा की घेंघा, घेंघा, अजीब बीमारी है, लोग मुझसे कहते हैं जब साइज बढ़ गया तो काम ज्यादा होना चाहिए, नहीं, ये हाइपोसिक्रीशन है, कैसे, क्योंकि TSH कह रहा है कि मुझे T3 T4 कम दिख रहा है, अरे सुन ही नहीं रहा, मरोगे तुम, ब्लड में अगर T3 T4 कम हुए तो ये बात किसको पता चलेगी, पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी क्या सिक्रीट करेगी, TSH, और TSH बेटा किससे, ग्लैंड से कहेगा कि T3 T4 को बढ़ाओ, और T3 T4 पढ़ नहीं रहे क्योंकि थायरोनिन की कमी नहीं, किसी कमी है, आयोडीन, तो आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए थायराइड ग्लैंड ज्यादा से ज्यादा आयोडीन पकड़ने की कोशिश करेगी, और ज्यादा से ज्यादा आयोडीन पकड़ने के लिए अपना साइज घटाएगी कि बढ़ाएगा, और बढ़ाएगी तो बताओ थायराइड ग्लैंड का साइज घटेगा कि बढ़ जाएगा, और इसी का नाम ग्वाइटर, फिर भी समस्या हल क्यों नहीं होगी, क्योंकि साइज बढ़ाने से काम बढ़ गया, आयोडीन नहीं बढ़ी, तो आयोडीन बढ़ती तो काम अच्छा होता, इसका मतलब यहाँ पर T3 T4 बढ़ेंगे कि कम होते जाएंगे, कम होते, और इस बीमारी का नाम क्या है, ग्वाइटर, और ग्वाइटर जब भी होगा तो हाइपर सिक्रीशन की हाइपो, हाइपो, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, हाइपो सिक्रीशन करेगा, और कौन से दो हार्मोन कम सिक्रीट होंगे, T3 और T4, और ध्यान सुन लो, अगर ये बीमारी किसी एडल्ट को होती है, बच्चे को कि एडल्ट को, एडल्ट को, जो अपनी जिंदगी में काफी बड़ा हो चुका है, 25-30 साल से बड़ा हो चुका है, तो ये कैसे दिखाई पड़ेगी, कैसे परिलक्षित होगी, NCERT में नहीं है तो पहले ध्यान से समझना, ध्यान समझना, बहुत आसान है समझना, अगर ये बीमारी हाइपोसिक्रीशन हुई तो BMR बढ़ेगा कि घट जाएगा, मैं मारूंगा बहुत, सब लोग को आवाज बताना पड़ेगा, बढ़ेगा कि घट जाएगा, क्योंकि ये हार्मोन होता तो BMR मेंटेन है, तो बताओ आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, पता कैसे चलेगा कि बेसल मेटाबॉलिक रेट घट गया, आपको लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, क्या होगा, आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी, आपको लगेगा यार पेट भरा भरा रहता है, भूख ही नहीं लगती, दिन भर में एक रोटी खा लो वही बहुत, लॉस ऑफ एपेटाइट के साथ साथ बॉडी में स्वेलिंग पैदा होगी, यानी अजीब आदमी होगा, खाएगा कम और मोटा होता जाएगा, फिर से सुनो, खाएगा और मोटा होता जाएगा, हाइपोथायरॉइडिज्म के खास लक्षण है, इसके बाद बॉडी का टेम्परेचर मिलेगा कम, बॉडी का टेम्परेचर क्यों कम मिलेगा, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो गई तो मेटाबॉलिज्म कम हो गई, मेटाबॉलिज्म कम हुई तो बॉडी में एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम हो गई तो टेम्परेचर कम, आप इनको छुओगे पकड़ोगे
तो इनका हाथ अजीब सा ठंडा मिलेगा, ठंडा ठंडा हाथ मिलेगा, और ये मोटे लोग होंगे, थुलथुले लोग होंगे, खाना कम खाते होंगे। सुन लो, ऐसे ही मिलेगा पेशेंट आपको, ये बंदा हमेशा लिथार्जिक मिलेगा, कहीं भी बैठा तो बस जमाई मारेगा, अरे यार नींद आ रही। तो इनमें बड़ी लिथार्जी होगी। सुन लो बेटा, मेरा माइक गड़बड़ कर रहा, मुझे ज्यादा चिल्लाना पड़ रहा, तुम्हारा कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए मुझे ज्यादा चिल्लाना पड़ रहा, मेरे को ज्यादा स्ट्रेन हो रहा। अगर फिर भी बदतमीजी की तो मैं पढ़ाना छोड़ के चला जाऊंगा। ध्यान से सुनो, ये बंदा लिथार्जिक होगा, बहुत आलसी होगा। दूसरा, बीएमआर कम होगा, खाने में भूख कम लगेगी, बॉडी में क्या होगी, स्वेलिंग, और बॉडी का टेम्परेचर कम। और चूंकि यही हार्मोन आपका आरबीसी बनाता है, क्या बनाता है, तो आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ गया कि घट गया, घट गया। और घट गया तो बेटा याद रखना, इसमें अनीमिया के भी लक्षण मिलेंगे, खून की कमी की खून की अधिकता, खून की कमी। अगर ये फीमेल है, क्या है बेटा, फीमेल, इफ सी इज फीमेल, तो ये लक्षण तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बोलो क्या क्या, लिथार्जी, बीएमआर कम, लॉस ऑफ एपेटाइट, बॉडी स्वेलिंग, बॉडी, इस बॉडी स्वेलिंग को आप लोग बोलते हैं इडेमा। बोलो क्या बोलते हैं, इडेमा। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर कम, अनीमिया। अगर वो फीमेल है तो एक लक्षण और मिलेगा, इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी मिलेगी। और ये वो लक्षण है जो हाइपोसिक्रीशन में आपको दिखाई पड़ेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर कैसे रटा जाए, तो किसी एक ऐसे बंदे को दिमाग में लाइए जो मोटा थुलथुला है, उससे पूछो खाना आप खाते हो, बोला बहुत कम खाते हैं, अजीब है, मोटे होते जा रहे। उसका हाथ चूओगे तो हाथ ठंडा होगा, कैसा होगा, ठंडा। कहेंगे यार तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर पहले से बहुत कम है, बोले जब से बीमार हुए अचानक ऐसा हो गया है, कहीं मन नहीं लगता, कैसा होगा, लिथार्जी, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम, लॉस ऑफ एपेटाइट, बॉडी में स्वेलिंग, बॉडी का टेम्परेचर कम, एनीमिया। और अगर ये फीमेल है तो इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर से बोलो, इररेगुलर, बीमारी का नाम गॉइट्रे नहीं, अगर तुमने गॉइट्रे कहा तो ये मेरा नटूरे खराब कर देगा, ग्वाइट्रे नटूरे और फुटरे फुटूरे। ये ग्वाइट्रे है कि ग्वाइटर है, ग्वाइटर, कहां कहां, दोनों ने फोन किया क्या, हाँ जाने दो बेटा, आवाज गड़बड़ हो रही है, आप लोग ध्यान से समझिए, गुस्सा आ गया, देखो मजाक कर रहे हो तुम, आवाज कम आ रही है क्या, ये वाला बढ़ाओ बेटा, इसके ऊपर वाला है क्या, मास्टर का लिखा, मास्टर, अभी बताओ और बढ़ाओ, पूरा बढ़ गया, अब एक आधा और उठेगा, चल देगा और खराब लगेगा, समझ में नहीं आया तो बताओ, घेंगा रोग हाइपर है कि हाइपो, हाइपर, लिख पाए, बताओ क्या क्या होगा, बीएमआर बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, होगा लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगेगी, अच्छा बॉडी टेम्परेचर कम होगा, एनीमिया होगी, ग्लैंड का साइज घटेगा कि बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर यही हाइपोसिक्रीशन प्रेग्नेंट फीमेल को हो गया, ध्यान सुनो, इफ दिस हाइपोसिक्रीशन happen to pregnant female, अगर pregnant female को hyposecretion हो गया, यानी कि T3 और T4 कम बनने लगे,
तब क्या समस्या होगी? अगर T3 T4 कम बनने लगे, बेटा ध्यान से सुनोगे तभी आएगा। तो प्रेग्नेंट फीमेल की बॉडी के अंदर गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, जो बेटा नियोटेट पल रहा है, जो इन्फेंट पैदा हो रहा है या जो फिटस पैदा हो रहा है, इस फिटस की ग्रोथ कम हो जाएगी। पढ़ाया था इसका चौथा काम बॉडी ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ। तो बताओ फिटस की ग्रोथ घटेगी कि बढ़ जाएगी? घट जाएगी। और अगर यही बच्चा पैदा हो गया इन्फेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और इन्फेंट में भी T3 T4 कम हुआ, ध्यान से सुन लो, अगर इन्फेंट में भी T3 T4 कम हुआ तो याद रखना इसकी बॉडी का साइज घटेगा कि बढ़ जाएगा? बॉडी साइज घट जाएगा और ये ड्वार्फ रह जाएगा। व्हाट इज ड्वार्फ? बावना। और ड्वार्फ होने के साथ साथ इसका मेंटल ग्रोथ भी कम होगा, क्योंकि ये हार्मोन मेंटल ग्रोथ को भी मेंटेन करता है। और मेंटल ग्रोथ कम होगा तो IQ भी कम होगा। व्हाट इज IQ? इंटेलिजेंट कोफिशिएंट कम होगा, इसका मतलब ये पागल जैसा होगा बच्चा। इसको बोलते हैं इसका मानसिक बेटा स्तर कम होगा। और मानसिक स्तर कम होगा तो एक तो ये बौना है, ऊपर से इसका मानसिक स्तर कम है, तो बताओ इस बौने को सर्कस में काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमने बोला था इसके पहले भी एक बौना था, नाम बताओ, चिट्ठी उठी, क्या वो सर्कस में काम करता था? ये सर्कस में काम। और इसीलिए इस बौने को हम लोग नाम देंगे क्रेटिन्स। बोलो क्या नाम है? क्रेटिन। उस बौने का नाम था मिड गेट। फिर से बोलो। इसका नाम क्रेटिन, उसका नाम मिड गेट, इसका नाम क्रेटिन। क्रेटिन्स कौन होता है? जिसका IQ कम, जो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हो। किसकी वजह से हो? हाइपो। बीमारी का नाम क्रेटिनिज्म भी हो सकता है। बोलो क्या होता है? क्रेटिनिज्म। तो याद रखना क्रेटिनिज्म ऑल्सो नोन एज हाइपोसिक्रीशन। इसके अलावा ध्यान सुनो, इसके अलावा ओके तो बताओ ग्रोथ बढ़ी कि कम हो गई? कम हो गई। IQ कम हो गया, ऐसे बच्चे को क्या बोलेंगे? क्रेटिन्स। और बेटा ये कब होगा? जब प्रेग्नेंट वूमेन को ये बीमारी होगी। किसको होगी? प्रेग्नेंट। इसके अलावा ये बच्चे डेफ और म्यूटिज्म के साथ भी पैदा हो सकते हैं, मूक और बधिर। डेफ एंड म्यूटिज्म, इसी को बोलते हैं मूक बधिर, जिनको सुनाई कम दे और बोल कम पाए, मूक बधिर बच्चे। अगर आप लोग को नेशनल टेलीविजन पे आने वाले विज्ञापन याद हो जिसमें बोला गया था नमक हो टाटा का, आयोडीन नमक, अगर वो नहीं खाओगे तो बच्चों को क्या हो सकता है? बच्चों को हो सकता है दिमाग कमजोर, घेंगा रोग, और वो मूक और बधिर भी पैदा हो सकते हैं। व्हाट इज डेफ? बहरा। गूंगा? बहरा मतलब मूक की बधिर, 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 बहरा। यार भाई आज की क्लास अगर नहीं करनी तो जाओ, तुम लोग बेकार में बैठे हो। मैं खुद ही बहुत टेंशन में हूं कि आवाज गड़बड़ कर रही। चलो बताओ कैसा पैदा होगा? डेफ एंड म्यूटिज्म। और गड़बड़ है, अब बताओ। तो सुनो यार और जवाब दो, ये एक क्वेश्चन आ गया तो मरोगे भी मरोगे। मूक बधिर होगा और डेफ और म्यूटिज्म वाले बच्चे पैदा होंगे, और ये भी आपकी NCERT में लिखा है, मैंने नहीं पढ़ा। चलो जवाब दोगे? अगर प्रेग्नेंट वुमेन को हो जाए बीमारी तो बेटा अलग अलग लक्षण आएंगे। पहला, बच्चे की ग्रोथ घटेगी कि बढ़ जाएगी? बच्चा बेटा आगे चल के बौना हो जाएगा? कम होगी। तो बताओ ये बौने को IQ भी कम, सर्कस में काम मिलेगा कि नहीं? एक और बौना था पिट्यूटरी बौना, यो था पिट्यूटरी डॉर, ये है थायराइड डॉर। ठाकुर साहब खड़े हो, क्या बातें चल रही? कल का कुछ प्लान है? ठाकुर साहब अगर ध्यान यही रखोगे
तो हो सकता कि आने वाले समय पर आयोडीन खिलाते रहो। आयोडीन कहाँ मिलेगी? नमक में। तो नमक में आयोडीन चाहिए। आयोडीन खाने से बताइए ब्रेन डेवलपमेंट सही रहेगा? तो यहीं रहना, नहीं तो हम कुछ और ऐसी बात कहेंगे तुम सुन नहीं पाओगे। हमारी क्लास अच्छा हे राजन साहब ना सुधरेंगे। एक कुत्ते की पूंछ को 22 साल तक नली में रखा गया, भाई साहब नली टेढ़ी हो गई। इसका राजन से कोई लेना देना नहीं। हाँ बस खुश हो गए। आप सुनो, हमें मालूम चल गया इन क्लासेस का क्या होगा, लेकिन मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। हाइपोसिक्रीशन के बाद आता है हाइपर सिक्रीशन। और ग्लैंड का हाइपर सिक्रीशन क्यों होता है ध्यान से सुनो।